अच्छा आज हमारे लेक्चर का जिसका मैंने आपको बताया था असाइनमेंट का नी का जिस तरह अल्ट्रासाउंड टेक्निक आप लोगों ने टेबल फॉर्म में मुझे बना के देनी थी, इसी तरह मैंने कहा था तीनों रीजन्स की बनानी है, एक नी की, रिस्ट की और तीसरी शोल्डर की। ठीक है, तो आज रिस्ट का अल्ट्रासाउंड टेक्निक है तो वो आज कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको भी आज ही बना लेना। फिर एक ही रह जाएगा शोल्डर, तो वो फिर शोल्डर की जो टेक्निक है वो फिर आप बना के तीनों को टेबुलर फॉर्म में मुझे जो है ना सबमिट करवा देना, ठीक है, आपके असाइनमेंट की जो मैंने इससे आपको बताया था। अच्छा, ये भी उसी तरह टेक्निक है अल्ट्रासाउंड की, हम लोगों ने पैथोलॉजीज और उसकी एनाटॉमी पढ़ ली थी कि व्हाट स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन आवर रिस्ट जॉइंट, वही स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पैथोलॉजी में उसके पढ़े थे। देन अब हम लोग उन स्ट्रक्चर्स को अल्ट्रासोनोग्राफिकली किस तरह हम लोग एवेलुएट करेंगे, किस तरह हम लोग उसको पेशेंट की पोजिशनिंग करेंगे और किस तरह हम लोग ट्रांसड्यूसर रखेंगे, और ट्रांसड्यूसर के दो प्लेन्स होते हैं, एक्सियल और हमारा जो लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन है, सेजिटल प्लेन है। तो हम लोग कौन से जो स्ट्रक्चर्स हैं हमें रिक्वायर्ड होते हैं कि हम लोग उसको लॉन्गिट्यूडिनली करें, और कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एक्सिलरी करें। अच्छा, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था, जब हम लोग अपनी प्रोब को लॉन्गिट्यूडिनल रखते हैं जिसमें हमारे स्ट्रक्चर्स इलोंगेटेड नजर आते हैं पूरे, जिस तरह हम हेड टू टो उसको देख सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें स्ट्राइशंस नजर आती हैं, लाइनें लंबी लंबी सी पूरी नजर आती हैं, उसको हम लोग अगर पूरे के पूरे टेंडन को, मसल को या लिगामेंट को हमने देखना हो तो हम लोग इसको पैनोरामिक इमेजिंग में भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, और हम लोगों ने उसको ओरिजिन से इंसर्शन तक पूरे कंप्लीटली देखना होता है। अच्छा, रिस्ट के अंदर हम लोगों को ज्यादातर जो स्कैनिंग है वो हमने एक्सियली ही करनी है, हम लोग रिस्ट ज्वाइंट के ऊपर ट्रांसवर्सली अपने प्रोब को रखेंगे और एक्सियल स्लाइसेस लेंगे और उसके ऊपर ट्रांसवर्सली हमने प्लेन लेने हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम्स हम लोग ये सारी चीजें हम लोग मैं पहले बता रही हूँ, फिर हम लोग इसको रीड करेंगे, हमें समझ आ जाएगी सारी चीजों की। अच्छा, समटाइम्स हम लोगों को टेंडन्स का फंक्शंस देखना होता है, जिस तरह दिस इज अ डायनामिक इमेजिंग, तो मूवमेंट करवाते हुए हमने उस टेंडन को देखना है, उसका फंक्शन देखना है, ठीक। उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को पोजिशन यूं करते हैं कि जिस तरह हाथ को रखा, रिस्ट को जो है हम लोगों ने विजुअलाइज करना है ना, उसको हमने किसी टेबल के ऊपर रखा, ठीक है, और या उस हाथ के नीचे कोई जो हमारी जेल बॉटल होती है या कोई भी बॉटल सपोर्ट के लिए, ताकि उसकी जो फिंगर्स हैं वो हवा में रहे और उसकी पाम के नीचे जो है वो कोई भी सपोर्ट हम दे सकते हैं, कोई बॉटल रख दी, ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारी फिंगर्स हवा में मतलब रहेंगी, उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पाम वाले एरिया। अब जब हम फिंगर्स को मूव करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे या फ्लेक्स करेंगे, उन एक्सटेंशन या फ्लेक्शन की वजह से आप खुद करके देखो कि आपका हवा में अगर हाथ हो तो अगर आप अपनी फिंगर्स को एक्सटेंशन या फ्लेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपके टेंडन्स मूव करते हैं, ठीक है, आपके जो टेंडन्स है वो मूव करेंगे, और हम लोग जो अल्ट्रासाउंड है तब हम लोग जो है इसमें लॉन्गिट्यूडिनली स्कैन तब करेंगे जब हम लोगों ने उसका फंक्शन देखना है, तो अगर वो कंप्लेन के साथ आया, उसको प्रॉब्लम है इन एक्सटेंशन या फ्लेक्शन, ठीक है, रिस्ट जॉइंट के ऊपर, देन हम लोग उसको इस तरह पोजिशन करते हुए उसकी मूवमेंट करेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने जिस तरह डिफरेंट एरियाज पढ़े थे कि डॉर्सल साइड पे हमारे पास 6 कंपार्टमेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडियल एंड मूविंग टूवर्ड्स द अल्नर, ठीक है, उस तरह ही हम लोग उसका स्कैन करेंगे कि हम लोग अब डॉर्सल साइड पे कंपार्टमेंट नंबर 1 रेडियल साइड पे होगा, प्रोब को वहां रखेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि कंपार्टमेंट 1 में कौन से टेंडन्स होते हैं, देन हम कंपार्टमेंट 2, 3, 4 एंड देन इस तरह मूविंग टूवर्ड्स द अल्नर साइड डॉर्सल साइड के सारे कंपार्टमेंट्स को देख लेंगे, ठीक हो गया। फिर हमारा एक्चुअल रिस्ट के अंदर देखने क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, हमने पैथोलॉजीज में पढ़ा ही था, कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, कुछ ट्यूमर्स होते हैं डॉर्सल साइड के ऊपर हमें नजर आते हैं, फिर हम लोगों ने कुछ बोनी, अगर कोई हमारे फ्रैक्चर्स हैं तो वो बोन के ऊपर उसकी डिसकंटिन्यूटी हमें ब्लैक कलर की लाइन नजर आएगी, देन हमारे पास और टेंडन्स का फंक्शन देखना होता है, इसके अलावा हमारे पास आर्टरी होती है रेडियल आर्टरी, उसका फ्लो देखना होता है, देन हमारे पास यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट एक नर्व है मीडियन नर्व, उसका कंप्रेशन हो जाता है जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं,
वी विल रीड इट अर्लियर, तो लेटर ऑन वो हम लोग उसके ऊपर पूरा मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है कार्पल टनल सिंड्रोम का, वो मीडियन नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है, किन किस पॉपुलेशन में होता है और उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और बस बताने का मकसद यह है कि हमारे रिस्ट के अंदर ये वाली नर्व इज इम्पॉर्टेंट, तो हम लोग जब कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो मीडियन नर्व को कैसे देखते हैं। नर्व का मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि नर्व को विजुलाइज कैसे करते हैं, उसको हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफिकली कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द वेसल्स, ठीक है। हम ट्रांसवर्सली जब देखते हैं तो कट सेक्शन में वो भी हमें राउंड स्ट्रक्चर नजर आता है और हमारे पास वेसल्स भी राउंड नजर आती हैं। अगर हम डॉपलर डालते हैं तो कंफर्म डॉपलर तो हमें फ्लो दिखाएगा वेसल में, और जो हमारा नर्व होगा उसके अंदर हम लोगों को हनीकॉम अपीयरेंस छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स नजर आएंगे, दैट विल कंफर्म दैट इज अ नर्व, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें अब हम लोगों ने पढ़ ली, हम उसको सिर्फ रीड करें, हमने पोजीशनिंग कैसे करनी है और कौन से एरिया को देखना है। अच्छा, ये हमारा कौन सा साइट था, ये हमारा फ्लेक्सर साइट था, पामर साइट था, जिसके ऊपर हमारे पास कार्पल टनल बना हुआ है। कार्पल टनल हम लोगों ने एनाटॉमी में भी पढ़ा था कि इसके अंदर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है ऊपर, ये नजर आ रहा है, और इसके अंदर हमारे पास जो फ्लेक्सर डिजिटोरम टेंडन सुपरफिशियल या प्रोफंडस हम लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये हमारे पास टेंडन्स हो गए। देन हमारे मीडियन नर्व हो गई, ठीक, और रेडियल आर्टरी और जो अल्नर आर्टरी है वो हमारे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बाहर वाली साइड पे होंगे। तो दिस इज द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, दिस इज द कार्पल टनल, एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर पासिंग थ्रू द कार्पल टनल। ये बस आप लोगों ने एक कार्पल टनल को बहुत रिस्ट के अंदर कार्पल टनल के स्ट्रक्चर्स याद करनी है, डॉर्सल साइड पे 6 कंपार्टमेंट्स के स्ट्रक्चर्स याद करनी है। ये जो 3-4 चीजें हैं यही इंपॉर्टेंट है जो याद करनी है, स्नफ बॉक्स याद करना है, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज वगैरह। द स्टैंडर्ड अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ऑफ द रिस्ट बिगिंस विद द इवैल्यूएशन ऑफ इट्स डॉर्सल एस्पेक्ट फॉलोड बाय द पामर वन। हम स्टार्ट करेंगे डॉर्सल साइड से पेशेंट की, वही पोजिशनिंग करेंगे, हाथ उसको उसको चेयर पर बिठा देते हैं, काउच के ऊपर उसका हाथ रखते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है, और उस टेबल के ऊपर उसका हाथ रखते हुए हम प्रोब उसकी डॉर्सल साइड पर रखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कंपार्टमेंट। डिपेंडिंग ऑन द सुपर स्पेसिफिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अल्ट्रासाउंड इमेजेस कैन बी ऑब्टेन इन डिफरेंट पोजिशंस, ठीक है, और हम पेशेंट को जो है उसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन रेडियल डेविएशन या अल्नर डेविएशन या प्रोनेशन सुपिनेशन उसको हर मूवमेंट के ऊपर इसको इवैल्यूएट करेंगे, इसको देखेंगे हम लोग, उसकी पहले फ्लेक्शन करवा के उसको देखेंगे, एक्सटेंशन करवा के देखेंगे, ठीक है, सारे हम लोगों ने उसकी मूवमेंट्स करवा के और अल्ट्रासाउंड को हम लोगों ने देखना है। दिस इज द डॉर्सल साइड, ये 6 कंपार्टमेंट्स है, 2 on the alert side एंड 4 on the radial side, ठीक है। इफ वी स्टार्ट सीइंग द कंपार्टमेंट्स, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रेडियल साइड फर्स्ट कंपार्टमेंट और ऑन द रेडियल साइड, ठीक है, तो हम लोगों ने प्रोब किस साइड पे रखनी है, हमारा रेडियल साइड थम साइड होता है ना, तो हम अगर अपना हाथ को रखें क्या कहते हैं प्रोनेशन में, उल्टा रखते हैं हाथ, तो डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग थम वाली साइड पे सबसे पहले अपना प्रोब इस साइड पे रखेंगे टू सी द फर्स्ट कंपार्टमेंट। Place the transducers on the transverse plane over the dorsal aspect of the wrist to follow proper identification of the extensor tendons. We all know there are extensor tendons on the dorsal side and flexors on the palmar side. Okay? One should first recognize a given tendon and then follow it on the short axis plane down to the distal insertion. ये है एक्सियल प्लेन, हम लोगों ने जैसा मैंने बताया था कि रिस्ट के ऊपर हम लोग ज्यादातर एक्सियल प्लेन शॉर्ट एक्सिस प्लेन ही लेते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने मूव करना है प्रोब को फ्रॉम हेड टू टो, मतलब इस तरह उसको थोड़ा सा स्वाइप करना है प्रोब को, उसी तरह स्किन के साथ अटैच करते हुए थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ को उसका डिस्टल इंसर्शन की तरफ को लेकर आएंगे। लॉन्ग एक्सिस इमेजेस ऑफ द एक्सटेंसर टेंडन्स आर लेस यूजफुल, ठीक है, दे मे हेल्प टू एवेलुएट द इंटीग्रिटी ऑफ द टेंडन एंड असेस देयर डायनेमिक मोशन इन द डिटेल, जो मैं भी आपको पहले बता चुकी हुई हूँ कि अगर हम लोगों ने डायनेमिक इमेजिंग करनी है, मूवमेंट में पेशेंट को प्रॉब्लम है, वो उसको एक्सटेंसर मतलब एक्सटेंड करने में प्रॉब्लम है, उसके एक्सटेंसर टेंडन इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको फ्लेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उसकी वही पोजिशनिंग करते हुए
जो मैंने भी आपको बताई है, उसके बाद उसको मूव करवाएंगे वही स्पेसिफिक जो उसको उसको कंप्लेन एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एंड देन हम लोग अल्ट्रासाउंड की प्रोब रखेंगे, तो हमें प्रोब के ऊपर हमें सॉरी स्कैन करते हुए हमें लाइव मूवमेंट उसकी जो टेंडन्स है वो उसके मूव करते हुए प्रॉपर फील हो रही होंगी, ठीक है, वो आगे की तरफ को जा रहे हैं पीछे की तरफ को जा रहे हैं एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में। तो अगर हमने डायनेमिक इमेजिंग करनी है तो हम पेशेंट की मूवमेंट करवाते हैं, फॉर दैट केस हम लॉन्ग एक्सिस व्यू देखते हैं ताकि हमें पूरा का पूरा जो टेंडन है स्ट्राइएशन उसकी फील हो नजर आए। डायनेमिक स्कैनिंग ऑफ द एक्सटेंसर टेंडन्स कैन बी परफॉर्म बाय प्लेसिंग द हैंड ऑन अ जेल ट्यूब या कोई भी हम लोग ऐसा सपोर्ट उसकी पाम के नीचे रखेंगे विद द फिंगर्स हैंगिंग आउटसाइड इट्स एज टू अलाउ इजी फिंगर मूवमेंट्स। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह हम उसकी पोजिशनिंग करेंगे फॉर द डायनेमिक इमेजिंग ऑफ द एक्सटेंसर टेंडन्स। ठीक हो गया, ये डॉर्सल रिस्ट के कंपार्टमेंट्स है 1, 2, 3 and 4 ऑन द रेडियल साइड, ठीक है, एंड 5 and 6 ऑन द अल्नर साइड। वी ऑल नो रेडियल साइड पे हमारे पास एक ट्यूबरोसिटी भी है जिसको हम लिस्टर टूबरकल कहते हैं, टूबरकल ऑफ लिस्टर कहते हैं। वो क्या है, एक बोनी प्रोजेक्शन सी है, ठीक है, वो हमारा क्या करता है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है कंपार्टमेंट नंबर 2 को 3 के, ठीक है, 2 और 3 के दरमियान में ये हमें लिस्टर ऑफ टूबरकल जो मिलेगा, ये बोनी प्रोजेक्शन है, ठीक है। कीपिंग द पेशेंट रिस्ट हाफ वे बिटवीन द प्रोनेशन एंड सुपिनेशन प्लेस द प्रोब ओवर द लेटरल। अब स्टार्ट हो रहे हैं, ये यहाँ से आपका असाइनमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने आपने लिखा रिस्ट का बनाना है टेबल, ठीक है, आपने देखा कि फर्स्ट कंपार्टमेंट रिस्ट का जो है ना उसमें कंपार्टमेंट 1 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद आगे प्रोब प्लेसमेंट कहाँ पे रखनी है, हाफ वे बिटवीन प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, ठीक है, ऑन द रेडियल साइड। बस प्लेस द प्रोब ओवर द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द रेडियल स्टाइलॉइड टू एग्जामिन द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ द एक्सटेंसर टेंडन। एंड वी ऑल नो फर्स्ट कंपार्टमेंट में हमारे पास 2 टेंडन्स कौन से हैं, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, मैं आपको आगे पिक्चर में भी साथ साथ दिखाती जाऊंगी। देन चेक द रेटिनाकुलम एंड नोट द पॉसिबल अकरेंस ऑफ द वर्टिकल सेप्टम एंड दैट स्प्लिट्स द कंपार्टमेंट एंड 2 डिस्टेंट स्पेसेस। हमें प्रॉपर रेटिनाकुलम जो उसके अंदर नजर आ रहा होगा जो 2 टेंडन्स को सेपरेट कर रहा है, सेप्टम होता है, ठीक है, वो हमें क्लियर एक व्हाइट कलर का लाइन, व्हाइट कलर की लाइन यहाँ पर हमें उसके अंदर वो स्पेस नजर आ सकती है, दैट स्प्लिट्स द 2 टेंडन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फॉलो द एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गर डिस्टली ओवर द स्केफॉइड टू असेस पॉसिबली एक्सेसरी टेंडन। दिस इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट पोजिशन। पेशेंट का हमने हैंड को थोड़ा सा ना प्रोनेशन है ना सुपिनेशन है, थोड़ा सा हम लोगों ने उसको ब्लीगली टिल्टेड फॉर्म में रखा हुआ है रेडियल साइड पे। रेडियल साइड हमारी थंब साइड है, हम लोगों ने फर्स्ट कंपार्टमेंट से स्टार्ट करना है, देख रहे हो पेशेंट पोजिशनिंग। देन हम लोगों की प्रोप प्लेसमेंट, ट्रांसवर्सली हमने इसको प्रोप को रखा है, ठीक है, किधर रखा है हम लोगों ने स्टाइलॉइड प्रोसेस। फिर उसके बाद हमारा रेडियल साइड पे कौन सी पहली बोन होती है, रिस्ट की स्केफॉइड, ठीक है। तो अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड के ऊपर देखें तो दिस इज द रेटिनाकुलम दैट कैन डिफरेंशिएट बाय ब्लैक कलर की लाइन है, जो स्पेस हमें नजर आ रही है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट के 2 टेंडन्स, ठीक है, और ये हमें व्हाइट कलर की क्या नजर आ रही है, बोन that is known as radial styloid. Look at the radial artery or radial side पे, तो side पे हमारे पास radial artery भी होती है। Look at the radial artery and the sensory branch of the radial nerve. The first encroaching deep, the second superficial to the first compartment. अब हम लोग second की तरफ जा रहे हैं, तो between first and second we will found a radial artery along with the radial nerve. Scanning from the proximal to the distal, note that the radial nerve and its branches snapping from ventral to the dorsal over these tendons. ठीक है, हमें branches इतनी clear नजर नहीं आती जितना हमें उसको exam. अब देखो इसके अंदर हमने 2 positioning की हुई है, A and B. Probe को यहाँ रखा, थोड़ा सा swipe करके B पे आ गए, ठीक है। अब A के ऊपर हमें ये देख रहे हो कि ये हमारा radial bone, radius, ठीक है, ऊपर हमें दोनों first जो है क्या नजर आ रहे हैं, कंपार्टमेंट के टेंडन्स, ठीक है, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और ये हमारे पास आ गया दूसरा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस।
और हमारे पास अगर आप देखो तो ये हमें एक राउंड स्टार स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज नॉट आर्टरी। ये हमें क्या कैसे बता रहा है, इसके अंदर व्हाइट कलर के छोटे डॉट्स भी हैं, ठीक है। और ये कंप्रेसिबल है, हम ऊपर प्रोब का थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेशर देंगे तो वो जैसे एलोंगेटेड सी हो जाएगी, ओवल हो जाएगी, बिल्कुल राउंड होती है समटाइम्स, ठीक है। ये नजर आ रही है, दिस इज नर्व, रेडियल नर्व, ठीक है। और जो वेसल होती है वो बिल्कुल एनेक्वेक होती है। ये देखो ये आर्टरी पड़ी हुई है, रेडियल आर्टरी बिल्कुल एनेक्वेक है, ये वेन पड़ी हुई है, ठीक है, रेडियल साइड पर। क्लियर हो गया, दिस इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट टू, अब इसी तरह हम लोग कंपार्टमेंट टू थ्री फोर एंड फाइव, सिर्फ हम लोग आगे चलते हैं कि कंपार्टमेंट टू हमारे टेंडन्स, टेंडन्स के नाम याद करो, पेशेंट की प्रोब, पेशेंट की पोजिशनिंग एंड प्रो प्लेसमेंट, बस, ठीक है। अब इसके अंदर सेकेंड कंपार्टमेंट में क्या करना है, विद द पाम फेसिंग द एग्जामिनेशन टेबल। अब हम पेशेंट का हाथ को सीधा कर लेंगे, जिस तरह फर्स्ट कंपार्टमेंट के लिए थोड़ा सा हमने उसको लेटरल रखा हुआ था, ठीक है। शिफ्ट द प्रोब मीडियली, अब हम लोगों ने अल्नर साइड पे जाना है, थोड़ा सा मीडियली इसको शिफ्ट करेंगे ऑन द ट्रांसवर्स प्लेन टू डिपिक्ट द सेकेंड कंपार्टमेंट। और सेकेंड कंपार्टमेंट के हमारे पास हमें पता है कौन से टेंडेंस है, कार्पर एक्सटेंसर, कार्पर रेडियालिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पर रेडियालिस। ये सारे रट्टा वाले आपको कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, छह के छह, आपको दो दो सब में, ये जरूर याद करना है सब में, ठीक है। ये इसकी प्रोब प्लेसमेंट, और थोड़ा सा अब हम लोगों ने मूव कर लिया अपनी प्रोब को दूसरी साइड पे, और इस की जो पेशेंट की पोजिशनिंग है वो बिल्कुल हम लोगों ने इसको सीधा कर लिया, अपने हाथ को बिल्कुल टेबल के ऊपर रख लिया हुआ, जिस तरह लिटरली अब हमने नजर आ रहा था। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, ये हमारे टेंडन्स हैं जो नजर आ रहे हैं आपको, और उसके अंदर बोन नजर आ रही है। अब हम लोगों ने ये जिस रेडियल से अल्नर की तरफ को यूं प्रोब को इस तरह इसको इसको मूव करना है, ठीक है, इस तरफ को लेकर जाना। कंपार्टमेंट थ्री, अब कंपार्टमेंट टू और थ्री जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो डिवाइड कर रहा है कंपार्टमेंट टू और थ्री, क्या हमारे पास लिस्टर ट्यूबरकल जो कि हमें नजर आता है रेडियल साइड, रेडियल साइड से, रेडियल साइड पे नजर आता है डॉर्सल स्पेक्ट के ऊपर। Find the Lister tubercle over the dorsal radius as the bone landmark to separate the second from the third compartment. अब हम लोग second तक हुआ है, second से third में जाना है, तो हमें अब क्या मिलेगा, हमें एक tuberosity मिलेगी bony, that is known as tubercle of Lister, ठीक है। And third compartment में हमारे पास ये extensor pollicis longus tendons must be followed on the short axis, ठीक है। Care should be taken to demonstrate this tendon as it crosses the extensor carpal radialis brevis and extensor carpal radialis longus tendon. ठीक है, ये इसकी थोड़ा सा और हम लोगों ने उस तरफ को मूव कर लिया है। ये सेंटर में हमें क्या नजर आ रहा है, LD, ठीक है, Lister of tubercle या tubercle of Lister जो है वो हमें इस तरह का इसके अंदर नजर आएगा। दो जो सेकेंड कंपार्टमेंट है उसको थर्ड कंपार्टमेंट से ये इसके अंदर जो है ना वो कर रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहा है। दीज आर द टेंडन्स। फोर्थ कंपार्टमेंट में थोड़ा सा और हम लोग उसको अल्नर साइड पे ले जाएंगे। फोर्थ कंपार्टमेंट के कोई जो है ना हमारे पास टेंडन्स है उनके नाम याद कर लो, ठीक है। थोड़ा सा हमने प्रोब को और मूव कर लिया, दिस इज द पिक्चर, ठीक है। फिफ्थ कंपार्टमेंट, फर्स्ट कंपार्टमेंट में भी हम लोग क्या करेंगे, प्लेस द रिस्ट इन द स्लाइट रेडियल डेविएशन। अब इसके अंदर सिक्स कंपार्टमेंट लास्ट कंपार्टमेंट है, बिल्कुल अल्नर साइड पे है, तो इसको थोड़ा सा डेविएट करेंगे अल्नर रेडियल साइड पे। कैसे, अपना जो रिस्ट है उसको मतलब के रेडियल साइड पे, थंब वाली साइड पे थोड़ा सा अंदर की तरफ को हाथ को मूव करेंगे, दैट इज नोन एज द रेडियल डेविएशन। और हम लोगों ने अब अल्नर साइड पे बिल्कुल एंड में जो है ना प्रोब को रखना है to view the sixth compartment, जिसके extensor carpal ulnaris tendon है, वो हमें नजर आएंगे उसके ऊपर। Look at the styloid process of the ulna and at the gap between the styloid and the radius, filled the triangular fibrocartilage complex. This structure can be evaluated partially by means of transverse and oblique coronal images. ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा लेटरली रखा था, बिल्कुल फर्स्ट कंपार्टमेंट था। इसके अंदर भी हम थोड़ा सा पेशेंट के हाथ को जो है ऊपर की तरफ लेटरली थोड़ा सा मूव करेंगे इस तरह, ठीक है, और ए एंड बी प्रो प्लेसमेंट को रखते हुए थोड़ा सा स्वाइप करेंगे और दो सिक्स कंपार्टमेंट को इस तरह हम लोगों ने देखना है, ठीक है। जब भी हम किसी भी जगह पे प्रोब रखते हैं, हम लोगों ने सिर्फ एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं रखना होता, हम लोगों ने थोड़ा टिल्टिंग पोजीशन करनी होती है, थोड़ा सा स्वाइप करना होता है, राइट लेफ्ट मूव करना होता है। समटाइम्स हमें जो है ना कुछ टेंडेंस जो है वो
मूव करके ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। कई हर एक का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता, हर एक का ऑर्गन एक जैसा वहां पे नहीं पड़ा होगा, पेशेंट के जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हम किडनी का स्कैन करेंगे, समटाइम्स हमें किडनी जो है वो पोस्टीरियरली नजर आ, बिल्कुल बैक पे अगर प्रोब रखेंगे तो उन पेशेंट में जो है वहाँ पे बहुत पतले पेशेंट हैं या बच्चे हैं, ठीक है, उनमें हम किडनी अगर स्कैन करनी हो तो वो बैक पे प्रोब रखते हुए फौरन हमें अच्छी क्लियर नजर आ सकती है। ओबीस पेशेंट में हमें थोड़ा सा मसला हो सकता है, ओबीस पेशेंट में हम लोग प्रोब की इस तरह डिफरेंट पोजिशनिंग करेंगे। इसी तरह हम लोग हर ऑर्गन को जब भी अल्ट्रासाउंड करेंगे उसका, तो हमने एग्जैक्टली जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं कि इधर रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोब को टिल्ट और हम लोगों ने स्वाइप जरूर करना है ताकि जो है हम अच्छा सर्जरी बना। किसका माइक ऑन हुआ हुआ है? ठीक है, 6 कंपार्टमेंट्स हम लोगों ने देख लिए हैं। हम लोगों ने प्रोब को रेडियल साइड से अल्नर साइड की तरफ को मूव करना है। देन मूविंग टुवर्ड्स द लिगामेंट्स। अब हमें पता है कि कौन कौन से लिगामेंट्स थे। एक हमारा जो रेडियल साइड पे था स्केफॉइड लूनेट लिगामेंट, जो हमारा किस साइड पे था? रेडियल साइड पे। स्वीपिंग द प्रोब डिस्टली फ्रॉम द लेवल ऑफ लिस्टर टुबर्कल ऑन द ट्रांसवर्स प्लेन, इमेज द डॉर्सल पोजीशन ऑफ द स्केफॉइड लूनेट लिगामेंट एंड अल्नर डेविएशन इसके अंदर करनी है। कैसे? अब अगर रेडियल साइड पे रखना है तो अल्नर डेविएशन, और अल्नर साइड को व्यू करना है तो हम लोग रेडियल डेविएशन करेंगे। थोड़ा सा ऑपोजिट उस हाथ को मूव करेंगे ताकि वो स्पेस हमारे पास थोड़ी सी खुल जाए और उस जगह पे हम प्रोब रखते हुए उस एरिया को देख सकते हैं। अल्नर साइड पे जो है वो वाले लिगामेंट्स देख लेने हैं, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट और जो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है जो कि अटैच कर रहे होते हैं स्केफॉइड और लूनेट बोन के ऊपर, जो हमारी रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है वो हम लोग किस तरह अल्नर डेविएशन के ऊपर रखेंगे पोजीशनिंग उसकी, और प्रोब को उस साइड पे रखते हुए हम लोग ये वाला लिगामेंट देख लेंगे। देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको डेविएट किया हाथ को, ठीक है। ये स्केफॉइड, ये लूनेट, ये ऊपर हमें व्हाइट कलर का क्या नजर आ रहा है, दिस इज द लिगामेंट, ठीक है। इसकी एग्रोजेनिसिटी कंपेरेटिव टू दीज टेंडन्स थोड़ी सी डिफरेंट। अब डिस्टल रेडियो अलर्ट ज्वाइंट एग्जामिन द डॉर्सल रेडियो अलर्ट ज्वाइंट बाय प्लेसिंग द प्रोब ऑन द ट्रांसवर्स प्लेन एट अ मोर अप्रोक्सिमल लेवल देन द ज्वाइंट लाइन वेयर द कैप्सूल हैज अ ग्रेटर कंप्लायंस टू डिस्टेंशन। ये बस अब हम लोग उसको ना थोड़ा सा मूव करते हुए सारे स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज कर लेंगे। अच्छा, इफ वी हैव इफ्यूजन या साइनोवियल थिकनिंग इन द रिस्ट ज्वाइंट, उसका क्या अल्ट्रासोनोग्राफिक साइंस हम लोगों ने पढ़े थे, किसी को याद है? मैम कंप्रेसिबल डिस्प्लेसेबल हो जाता है और डॉपलर से हम उसकी इन्फ्लेमेशन देख। बिल्कुल सही, तीन हमने पॉइंट पर पढ़े थे टू डिफरेंशिएट इफ्यूजन फ्रॉम द साइनोवियल थिकनिंग। इफ्यूजन जो थी वो कंप्रेसिबल थी और जो है वो उसके अंदर हम लोग को डॉपलर सिग्नल्स मिल सकते थे। इसी तरह जो साइनोवियल लाइनिंग है उसके अंदर साइनोवियल लाइनिंग के अंदर हमें सिग्नल्स मिलेंगे डॉपलर, और दैट इज नॉट कंप्रेसिबल। तो इसके ऑपोजिट इफ्यूजन है वो फ्लूइड है, तो इनको हम लोग डिफरेंट। इसी तरह जब हम लोग कार्पल टनल या कार्पल बोन्स को, कार्पल जॉइंट जो है हमारा रिस्ट जॉइंट है उसको देखना है, तो उसके अंदर हमें पता है कि जो बोन्स है वो हमें हाइपर एक्विक व्हाइट कलर की छोटी छोटी सी आर्ट नजर आएंगी, ठीक है। स्केफॉइड से लास्ट जो हम लोग दो रोज बनाते हैं, हम लोग एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल रो, वो चार ऊपर और चार नीचे जो हमें हाइपर एक्विक जो है ना बोन्स नजर आएंगी, ठीक है। ये अभी हम लोग टेंडन्स पढ़ रहे थे ना, हम लोगों ने थोड़ा सा जो बोन्स है ना उनसे थोड़ा सा ऊपर प्रोब रखा था, तो अभी आपको टेंडन्स नजर आ रहे थे, रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस नजर आ रहा था, रेडियल साइड नजर आ रहा। अभी हम लोग कार्पल बोन्स के ऊपर नहीं आए थे, ठीक है। अगर हम लोग उसी प्रोब को थोड़ा सा नीचे की तरफ को लेके आएंगे तो हमें वहां पे कार्पल बोन्स नजर आएंगी, ठीक है। वहां पे उस एरिया में जो है हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दिस इज द कार्पल बोन, दिस इज द इफ्यूजन, दिस इज द साइनोवियल लाइनिंग। अब ये देखो इसके अंदर ये ट्रांसवर्स प्लेन नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन है, सेजिटल व्यू है। इसके अंदर हम लोगों को कार्पल, मेटा कार्पल और आगे जो है ना ल्यूनेट और रेडियल जो हम हमें इस तरह लॉन्गिट्यूडिनली सारे जिस तरह नजर आ रही है ऊपर, ठीक है। सबसे आगे यहाँ, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो रेडियल बोन, देन हमारे पास सेंटर में हम स्केफॉइड नहीं ल्यूनेट के ऊपर से गुजर रहे हैं, ठीक है। रेडियल, ल्यूनेट, कार्पल बोन्स एंड देन मेटा कार्पल, रेडियल, ल्यूनेट, कार्पल बोन्स, मेटा कार्पल बोन्स, ठीक है।
अब आज जो वेंट्रल साइड पे हमारी पामर साइड पे वी नो डेट देर इज अ कार्पल टनल जहाँ पे फ्लेक्सर्स हैं, ये दोबारा से कोई इमेज बार बार आ जाती है, इसको अच्छे से याद कर लो. फ्लेक्सर टेंडन्स कार्पल टनल से गुजर रहे हैं अलॉन्ग विद द मीडियन नर्व. इसको कैसे हम लोग पेशेंट की पोजिशनिंग करेंगे, पाम अप कर लेंगे इसकी पेशेंट की, और उसी तरह हम लोग जो है मूविंग द वोलर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट, द पेशेंट कीप्स द डॉर्सल रिस्ट फेसिंग द एग्जामिनेशन टेबल. अब उसको किस तरह हम लोगों ने पाम जो है अप कर लेनी है और उसकी पोजिशनिंग करके, उसी तरह हम लोगों ने सारी बोन्स को देखना है. सबसे पहले कार्पल साइड पे, स्केफॉइड ट्यूबरकल, रेडियल साइड पे, पीसी फॉर्म अल्नर साइड पे है, तो दोनों रोज प्रॉक्सिमल और डिस्टल पूरी रोज जो स्केफॉइड से पीसी फॉर्म और ट्राइक्यूट्रल से हमारी लास्ट जो हेमेट बोन है वहां तक हम उसको देखेंगे. ठीक है, वंस डिटेक्टेड द प्रोब ओरिएंटेशन शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली. स्केफॉइड द अदर ओवर द पिसिफॉर्म, एक साइड पे स्केफॉइड, दूसरी साइड पे पिसिफॉर्म, एक लाइन पूरी हो गई. टिल्टिंग द प्रोब बैक एंड फोर्थ में हैड टू ऑप्टिमाइज डिपिक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू कंटेन्ड विद इन द टनल, जो कि मैं बताया कि जब भी हमने प्रोब रखनी है तो उसके अंदर टिल्टिंग मोशन एंड स्वाइपिंग मोशन, ठीक है, ये दो हम लोगों ने प्रोब की पोजिशनिंग करनी होती है, मूवमेंट करनी होती है टू विजुअलाइज एनी ऑर्गन. चेक द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड ईच ऑफ द 9 लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन कंटेन्ड विद इन द कार्पल टनल, ये हमारे पास 4 फ्लेक्सर्स. डायनेमिक स्कैनिंग ड्यूरिंग पैसिव फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, उसी तरह फिंगर्स को हम लोग पोजिशन करेंगे पाम के नीचे जो है कोई सपोर्ट रखते हुए, फिर हम लोग फ्लेक्सर्स जितने हैं ना उसको मतलब फिंगर की मूवमेंट कराते हुए फ्लेक्सर टेंडन्स को हम लोग उसी तरह रिस्ट के ऊपर उसकी मूवमेंट डायनामिक इमेजिंग को देखेंगे जिस तरह हमने डॉर्सल साइड पे उसकी पोजिशनिंग की थी. चेक द कॉन्टेंट ऑफ द कार्पल टनल टू रिकोगनाइज पॉसिबल एबनॉर्मल फाइंडिंग इंक्लूडिंग एनामिलस मसल्स एंड फ्लेक्सर टीनोसाइनोवाइटिस, जो कि हमने पैथोलॉजी में पढ़े थे कि क्या क्या पैथोलॉजीज हो सकती हैं. अब हम लोगों ने कार्पल टनल के ऊपर टीनोसाइनोवाइटिस, एक हम लोगों ने इन्फ्लेमेशन पढ़ी थी, दैट वाज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल शीट ऑफ द टेंडन्स, यही पढ़ा था ना, नाम से बता रहा है, आइटस इज द इन्फ्लेमेशन, साइनो इज द साइनोवियल शीट एंड टीनो इज द टेंडन्स, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल लाइनिंग ऑफ द टेंडन्स, ठीक है, उसका इन्फ्लेमेशन हमें नजर आ सकता है इन द कार्पल टनल. कार्पल टनल की लाइनिंग जो है ना उसके अंदर हमें इस तरह के, अब क्या अल्ट्रासोनोग्राफिक साइन थे वही हम लोग कंप्रेस करेंगे उसको, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे उसके अंदर फ्लूइड है या नहीं है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है तो फ्लूइड हो सकता है. देन हमारे पास डॉपलर स्कैन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइपर वेस्कुलराइजेशन ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, ठीक, ये देखो हमें बोन्स नजर आ रही है इसके ऊपर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, दोनों रोज 1, 2, 3, और ये ऊपर हमारे पास टेंडन आ गए, ठीक है, ये ऊपर जो था ये वाले जो थे स्केफॉइड से पिसिफॉर्म तक और नीचे ट्राइक्यूट्रल से हैमियट तक, ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये बताएगा रेटिनेकुलम, दिस इज नॉट राइट, अगर इसको डायग्राम में देखो तो आपको ये स्ट्रक्चर है, ये छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर, इतना क्लियर मैं आपको इतना बता चुकी हूँ कि व्हाइट डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये नर्व है, ठीक है, मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ व्हाइट डॉट्स, ठीक है, ये देखो ऐसे ओवल सी हमें नजर आ रही है, दिस इज मैम अल्ट्रासाउंड वाली पिक्चर में इतनी डॉटेड अपीयरेंस नहीं है ना, अल्ट्रासाउंड में थोड़ी सी, इसलिए मैं आपको बता रही हूं, आपने अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें ड्यू टू द रेजोल्यूशन और प्रोब की जो है ना मशीन्स की उसकी वजह से हमें अगर बहुत अच्छी रेजोल्यूशन होती है देन क्लियर हमें व्हाइट डॉट्स नजर आते हैं, ठीक है, अदरवाइज हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, ओवल होती है. अब इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास या तो कोई वेसल हो सकती है या फिर हमारे और छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर और इस तरह का और कुछ ऐसा है नहीं. टेंडन्स बिल्कुल व्हाइट होते हैं या लिगामेंट्स जो आपने देखा है, लिगामेंट्स तो बिल्कुल ही व्हाइट होंगे, वो तो हमें बोन्स के साथ नजर आएंगे, बट टेंडन इनसे थोड़े से ना उसके अंदर इस तरह नहीं अपीयरेंस होती, वो व्हाइट स्ट्रक्चर ज्यादा होता है उसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा ब्लैक ब्लैक ज्यादा होता है. इसको हम लोग आर्टरी या किसी वेसल के साथ जो है ना कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेसल हो सकती है तो वो बिल्कुल एनेक्वेक होगी, और अगर हम लोग उसमें कंफ्यूजन हो रही है समटाइम्स तो फिर हम लोग उसमें डॉपलर डाल देते हैं. लेकिन ये जो है ना इसके अंदर एनेक्वेक स्ट्रक्चर और दूसरा वाइड स्ट्रक्चर दोनों ज्यादा होते हैं, ठीक है, देखो ब्लैक भी है
तो ये ओवल हमें नजर आ रही है, अगर हम डायग्राम पर देखें तो ये हमें इस तरह, इस देखो इसके अंदर व्हाइट डॉट्स क्लियर नजर आ रहे हैं ना, छोटे छोटे व्हाइट। अब हमने सिर्फ प्रोब को थोड़ा सा ही मूव करने पे, जो मैंने अभी आपको क्या बताया था कौन सा आर्टिफैक्ट होता है जो बहुत कॉमन होता है मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के अंदर, अभी आपको पता चल रहा है कि एनिसोट्रॉपी, और जो हम लोग प्रोब की मैंने बताया था कि जरा सा एंगल देने से जो है वो उसकी अपेरेंस में फर्क आ जाता है, ठीक है। अब ये देख रहे हो इसके और इसके अंदर कितना फर्क आ गया, एक ही जगह का थोड़ा सा प्रोब को नीचे की तरफ मूव किया है तो कितना फर्क आ गया, ठीक है। दिस इज एनिसोट्रॉपी, तो बहुत ज्यादा आर्टिफैक्ट जो है ना ये मस्कुलोस्केलेटल में हमें मिलता है, डिफरेंशिएट डिफरेंट एकोजेनेसिटीज। अच्छा, एट द रेडियल साइड ऑफ द कार्पल टनल चेक द फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस टेंडन दैट ओवरलाइज द हाइपर इक्विक कॉर्टेक्स ऑफ द स्केफॉइड, स्केफॉइड के ऊपर से फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस टेंडन गुजर रहा होता है, एंड देन हम उसको देखते हैं ये हमारा कौन सा पार्मर साइड है। पेशेंट की पोजिशनिंग यूं करेंगे, प्रोब को इस जगह पे रखेंगे ब्लू एरिया जो है टू विजुअलाइज द कार्पल टनल, यहाँ पे हमारे पास सारे फ्लेक्सर्स मिलेंगे, मीडियन नर्व गुजरेगी जो कि हमने पिक्चर में देखा है, स्वीप द ट्रांसड्यूसर अप एंड डाउन ओवर द मीडियन नर्व, जो कि दो इमेजेस मैंने दिखाए थे ऊपर और नीचे, थोड़ा सा उसको स्वाइप करेंगे, द मीडियन नर्व शुड बी सिस्टमैटिकली एग्जामिन इन इट्स शॉर्ट एक्सिस फ्रॉम द डिस्टल रेडियस थ्रू द पाम, ठीक है। इसको नर्व को हमेशा हम शॉर्ट एक्सिस पे देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, शायद आप लोगों को याद हो कि जब भी हम लोग नर्व को जो है वो ब्लॉक करते हैं, याद है नर्व ब्लॉक करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया का हमने कोई सर्जरी करनी है या कुछ ऐसा, तो हम जो वो नर्व जिस एरिया को सप्लाई कर रही होती है तो उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। वो हम लोग किस तरह करते थे कि क्या हम इंजेक्शन को जो हमारा वो जो जो हम एनेस्थीसिया जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, वो हम लोगों क्या इंजेक्ट करते हैं नर्व में, किस तरह हम करते थे, मैंने बताया था, अगर किसी को याद हो तो वो रिवाइज करे, नर्व ब्लॉक करने का क्या तरीका था, अल्ट्रासोनोग्राफी, मसल्स के साथ लगाते थे लीडर को, मसल्स के साथ लगाते थे, क्या लगाते थे मैं, मतलब नर्व के साथ साथ जो मसल आते थे उसमें, हाँ जी, हम उसमें इंजेक्ट नहीं करते थे ना नर्व के अंदर, हम मसल नहीं करते थे, मसल से नहीं करो, नर्व नजर आ गई, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने नीडल को इंसर्ट करना है, अब अल्ट्रासोनोग्राफिकली हमें नीडल व्हाइट कलर की जाती हुई फील हो रही होगी, हमने थ्रू अल्ट्रासाउंड करना है ना, अल्ट्रासाउंड गाइडेड परफॉर्मेंस है ये, तो अल्ट्रासाउंड ऊपर हमने प्रोब रखी, साथ साथ स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ रही है नर्व, हमने देख ली कि हाँ ये नर्व है। अब हम लोगों ने उसको जो है एक हाथ से जो है प्रोब पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ से हम नीडल को जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, हमें फील हो रहा है जा रही है। अब हमने नर्व से थोड़ा सा ऊपर, कुछ mm ऊपर, बिल्कुल नर्व की वॉल के साथ, नर्व को के साथ अगर नीडल अटैच होगी ना, इतनी पेनफुल होती है ना ये चीज, और हम नर्व को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो नर्व से थोड़ा सा ऊपर हमने नीडल को रखते हुए वहां पे हमने उसको जो फ्लूइड है वो जो है हमने वहां पे डालना है, और हमने उसकी जो सराउंडिंग है ना नर्व की, वहां पे फ्लूइड चला जाएगा तो वो उसको ब्लॉक कर देगा फॉर सम टाइम्स, डिफरेंट हमारे पास जो भी मेडिसिन होगी वो हम यूज करेंगे, ठीक है। फिर उतने टाइम के लिए वो नर्व ब्लॉक हो गई, उसकी सेंसेशन खत्म हो गई, ठीक है, तो फिर हम लोग उस जो वो वाली नर्व जिस एरिया को सप्लाई कर रही थी तो वो एरिया को फिर हम लोग उसकी सर्जरी है। ये नर्व ब्लॉक बहुत ज्यादा आजकल एनेस्थीजिया डिपार्टमेंट में अल्ट्रासाउंड गाइडेड हो रही है, ठीक है। जनरल हॉस्पिटल वाले जो है ना, उन्होंने तो एनेस्थीजिया डिपार्टमेंट ने बड़ी मशीन ली है, छोटी भी नहीं, बड़ी मशीन अल्ट्रासाउंड की ली है जो करोड़ वाली है, ठीक है, नहीं तो ये तो रेडियोलॉजी वाले लेते होते हैं, और उन्होंने बड़ी मशीन सिर्फ इसी मकसद के लिए ली है कि हमें हाई रेजोल्यूशन मशीन चाहिए कि हम नर्व्स को अच्छे से देख सकें और हम लोग इनको नर्व ब्लॉक कर सकें, ठीक है। वो उन्होंने जो है शोल्डर के ऊपर या फिर हमारी जो सर्वाइकल है उसके अंदर, फिर उसके बाद उन्होंने जितनी भी मोटी नर्व्स है ना, फिर आजकल आपको पता ही है कि ज्यादातर सर्जरीज जो हो रही हैं वो नर्व ब्लॉक पे हो रही है, नर्व्स को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं और फिर हम उस स्पेसिफिक एरिया पूरा जनरल एनेस्थीजिया नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो एनेस्थीजिया वालों ने अगर कहीं किसी का जनरल हॉस्पिटल में जाना हुआ तो जरूर देख के आना, वहाँ पे डॉक्टर सप्तैन होंगे, उनको रेफरेंस दे देना, मेरा बता देना कि हम इस आरफा के स्टूडेंट्स हैं तो हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे नर्व ब्लॉक कैसे हो रही है, या फिर वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे भी उन्होंने लिया हुआ है।
फिर शालीमार हॉस्पिटल में उधर डॉक्टर हैं, फीमेल डॉक्टर हैं, वो नर्व ब्लॉक पे बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, ठीक है। तो अगर किसी का इंटरेस्ट हुआ तो जरूर देखा करो, हॉस्पिटल में कभी जाना हुआ तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का चक्कर जरूर लगाया करो, ठीक है। तो ये नर्व के लिए मैं वैसे बता रही हूँ, नर्व ब्लॉक आजकल बहुत ज्यादा इन हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रेनिंग्स हो रही हैं हर हॉस्पिटल में, तो वो अनकरीब जो है बहुत ज्यादा जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड नर्व ब्लॉक होंगी, जनरल एनेस्थीसिया फिर कम ही देंगे, ठीक है। तो नर्व ब्लॉक का तरीका, फिर उसके बाद अल्नर नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, हम लोगों ने सारी बोन्स बस यही पोजीशनिंग इसकी करनी थी, ये बस आप टेबल बना लेना और उसकी पोजीशनिंग देख लेना, फ्रॉम अल्नर टू अल्नर साइड पे ये अल्नर आर्टरी आ गई है, अल्नर आर्टरी और पीसी फॉर्म बोन जस्ट, ठीक है। ये आप इसको टेबल बना के इसकी टेक्निक देख लेना। अच्छा, मैं बता रही थी आपको उसका, ठीक है। जनरल हॉस्पिटल में जाना हुआ उधर जरूर आप लोग चक्कर लगाना, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट नया पीछे बना है, नई बिल्डिंग है उसकी, ठीक है। ऊपर मिल लेना उनसे, डॉक्टर सत्यन होंगे और वो वहाँ के एचओडी हैं, ठीक है। अगर वो अलाउ करते हैं तो जरूर देखा करो, और कहीं किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा वो मना कर देंगे ना, कोशिश जरूर किया करो, जब भी हॉस्पिटल में चक्कर लगा करे, कोई नई चीजें देखा करो, उनसे कहा करो सर, किसी से भी रिक्वेस्ट कर लो, मैं रेडियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मुझे प्लीज अलाउ कर दे, मैं एक प्रोसीजर देख सकूं, मैं सिर्फ पीछे खड़ा होकर कोई प्रोसीजर देखना चाहता हूं, मुझे प्लीज अलाउ कर दे, ठीक है। कुछ भी नहीं, आप देखा करो चीजें हो क्या रही हैं, आप देखो कि उसके अंदर वो किस तरह की टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, आप देखो कि उसके अंदर वो कौन कौन से नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर या इमेजिंग के अंदर, ठीक है। अल्ट्रासाउंड तो चलो एक नॉर्म वो तो होता रहता है, स्कैन एक नॉर्मल कर रहे हैं ये वो, बड़ी मोडालिटीज, कभी PIC जाना हुआ, एंजियोग्राफी करने जाओ, एंजियोग्राफी हम सीखने जाते थे, मुझे इतना शौक होता था तो मैं उनको कहती थी, साथ ही उनका रूम होता था स्टंट्स जहाँ पे डालते हैं, पेसमेकर्स डालते हैं ना हार्ट में, उधर भी घुस जाती थी, हालांकि हमारी फील्ड नहीं है पेसमेकर प्लेसमेंट और वहां पे भी, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि मैंने एक देखना है कि पेसमेकर जो है वो कैसे डालते हैं पेशेंट के, और हार्ट के जिस तरह प्रॉपर एक हार्ट सर्जरी होती होती और मतलब किस तरह वो देखनी है मैंने हार्ट पेसमेकर को, तो वो मुझे अलाउ कर देते होते थे। बस आपने अपना एक एटीट्यूड जब भी डिपार्टमेंट्स में जाना है, सीरियस एटीट्यूड रखना है, एक पढ़ने वाले बच्चों की तरह रखना है, नॉन सीरियस नहीं रखोगे कभी भी आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा, ठीक है। अपना एक रखा करो, एक पर्सनैलिटी ऐसी रखो कि यू आर स्टूडेंट, ठीक है। रफ अपना भी वो ना रखा करो, हमारे ही क्लास के बॉयज होते थे, एक दफा शौकत खानम में चले गए, और वो शौकत खानम का तो आपको पता लेवल होता है, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात है, हमारे सर उनको विजिट हमें करवाने गए थे शौकत खानम के सारे डिपार्टमेंट्स, उसके अंदर जितने भी पेट स्कैन लगा था उन दिनों, नया नया पेट सीटी था, फिर डेक्सा स्कैन आया था, ये सारे इमेजिंग की जितनी मोडालिटीज है, नई मशीनें, फिर प्रोटोकॉल, उनकी जो मैनेजर है ना शमा मुराद, वो बड़ी वो है, मतलब थोड़ी सख्त भी है और वो इन चीजों को देखती होती है कि भाई प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए, ठीक है। फिर हर चीज उनकी देखो, इतनी ज्यादा जबरदस्त तरीके से वो पेशेंट को डील करते हैं शौकत खानम वाले, इमेजिंग में रेडियोलॉजी, शौकत खानम का जरूर एक चक्कर लगा के आओ सारे, ठीक है। लाहौर आ जाओ, जो आउट ऑफ लाहौर वाले भी हैं वो भी आ जाओ, आप ग्रुप्स बना लो, पांच पांच का या दस दस का, एक साथ भी मत जाओ, क्योंकि शौकत खानम में इतना ज्यादा पेशेंट का वो होता है ना रश होता है, तो हम लोग देख नहीं सकते, पांच का बना लो बेशक, और हर बच्चा एक एक उसमें चला जाए, एक सिटी में खड़ा हो जाए एक घंटे या पांच दस मिनट, या एक स्कैन जरूर देखो, फिर उसके बाद आप लोग रोटेट कर लो, एक MRI में चला जाए, एक पेट्स में चला जाए, एक डेक्सा में चला जाए, एक न्यूक्लियर मेडिसिन में चला जाए, प्लीज आप शौकत खानम का एक चक्कर जरूर लगाओ, आप लोगों को पता चले कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता क्या, और आप लोगों को अपनी वैल्यू का पता चलेगा कि वेयर वी स्टैंड, ठीक है। और मैं बताती हूँ, शौकत खानम वाले जितने लोग वहां से हैं वो सब बाहर गए हैं, सब बाहर गए हैं, अगर बाहर का प्लान है इंटर्नशिप करो, वहां के लिए जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक है, और वहां बाहर चले जाओ, पिशावर में भी शौकत खानम है, वहां उस तरफ वाले लोग उधर अप्लाई करें, इस्लामाबाद अगर कोई है तो उधर शिफा में अप्लाई करके देखो, शिफा इज अ गुड हॉस्पिटल, ठीक है जी। बेटा कोई बोलना चाह रहा था? मैं गया था शौकत खानम मैम, लेकिन वो दरवाजे से भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे इस पर्पस के लिए, मतलब वो कह रहे थे पहले आपको ना किसी का, यही तो बात है ना, वो एक लेवल है उनका, मैं कह रही हूँ कोई किसी का HR में चाहो, और ये ना गर्मियों में शिफ्ट रखते होते थे, अभी शायद कोविड की वजह से शायद उन्होंने और स्ट्रिक्ट किए हो अपने, बहुत रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है उन्होंने, अपने बंदों को भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है बाहर की। अब देखो नॉर्मली उनका इतना ज्यादा उस तरह होता था, तो कोविड में तो मेरा तो नहीं अभी जाना हुआ, कोविड में तो ऑब्वियसली उन्होंने और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया होना है,
थोड़ा टाइम देखो आप लोगों का नेक्स्ट ईयर तक, अभी तो है ना ड्यूरिंग एज, मैं जब भी आपका जैसे लगा किसी का रेफरेंस लग सकता है, किसी का कोई जान पहचान वाला कोई डॉक्टर है वहां पे, ठीक है, कोई रेफरेंस है, कोई एचआर में वहां पे जाके एप्लीकेशन दो कि मैं हम इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, कभी तो वो एक्सेप्ट करेंगे, या कुछ किसी से कुछ बात करो, अगर वहां पे आप लोगों का हो गया ना, मैं खुद भी कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन पता मसला क्या है, हमारे टाइम पे हम लोग बच्चे बहुत कम होते थे, 20 सीट्स होती थी, हम लोग तो उतने ही बच्चे 20 को भी अब आधे में डिवाइड करके दो दिन में सर ले जाते होते थे, ठीक है, सिर्फ जो है ना बच्चे ही उतने, इनका एडमिशन ही उतना ही देते थे। अब इतने बच्चे आपको पता है 100+ किस तरह लेके जाए, मैनेज करें, तो वो भी ये चीज जो है ना वो देखनी होती है। तो मेरा अपना दिल है कि मैं आप लोगों को विजिट्स करवाऊं कुछ हॉस्पिटल्स के, और एटलीस्ट देखो तो सही चीजें कि क्या है, किस तरह है, किस तरह हो रहा है स्कैन, करना नहीं करना कुछ चीजों, ये क्या बस स्लाइड्स देख लोगे, ये हो गया वो हो गया ये हो गया, हवाई चीजें तो नहीं ना समझ आएंगी। बिस्मा सिर्फ कुछ कहना चाह रही हो? मैम इवन SCP3 अब स्टार्ट हो गई है, इन्हें चाहिए था कि मैं डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में विजिट करवाते, हम सिर्फ हिस्ट्रीज ही लिखते रहते हैं, हिस्ट्रीज ही करते रहते हैं, ये हमारा काम नहीं है। बेटा मैं आप लोगों की SCP की इसीलिए 4 वालों की जो थी वो इस दफा लड़के में उन्होंने मेरे ऊपर ही डाल दी कि आप ही करवाएं फिर उनको, ठीक है। तो मैं को भी नहीं देते हमारा सब्जेक्ट, ये कि हमारे की तो हमें पढ़ाएं। मैंने आपके सीनियर्स को यही बात की थी कि आप लोग जाओ और कहो कि हमने SCP, तब फिर उन्होंने कहा था कि ओके हम लोग जो है आपको फील्ड से रिलेटेड ही आपका वो बंदा देंगे, तो फिर उन्होंने करवाया था। और एक्चुअली उस दिन ये लोग तो पता है आपको कि वो बंद किया हुआ है, आपकी रोटेशंस भी SCPs भी आपकी ऐसे ही हवाई चल रही है, ठीक है, SCP तो है ही सर कल, और क्या पेशेंट की किस्तियां लेते जा रहे हैं, लेक्चर याद किए जा रहे हैं हम लोग, हमें कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ फर्स्ट आप किस्तियां ले जा रहे हो वो बिल्कुल आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब जो पढ़ा रहा है वो MBBS आपको क्या हिस्ट्री टेकिंग्स बता रहा है, क्या करना है इसका, आप रेडियोलॉजी वाले हो, क्लिनिकल कुछ नहीं बताया मैंने आपको उनका, बल्कि कहा था कि आपकी SCP की बुक्स ही चेंज कर दें, नई बुक्स बनाएं जो कि रेडियोलॉजी से रिलेटेड ही हो, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं अब रेडियोलॉजी के 2 बंदे और भी इस तरह हायर हुआ, मैं पहले अकेली होती थी तो ये मसले काफी आए थे, अब आए हैं। मैं डॉक्टर उज़्मा से भी बात करूंगी कि आपकी SCP की बुक्स भी 3 और 4 की एटलीस्ट जो है ना वो डेडिकेटेड कर दें रेडियोलॉजी से, ताकि आप हमारे लिए भी बात करें, क्योंकि मैम अभी 3rd हमारी SCP है, इस पर 4th हो जानी है और हमारी डिग्री कम्प्लीट हो जानी है, और हमने कुछ भी नहीं SCP में हमने क्या सीखा है, कुछ भी नहीं सीखा, यही मैं कर चुकी, 4 तो आपकी हो गई है ना, वो तो मैंने करवा दी है, वो तो डेडिकेटेड आपकी फील्ड से रिलेटेड, मैम काइंडली हमारी भी करवाएं ताकि हमें भी कुछ समझ आए डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट। इसके अलावा एक तो कोविड की वजह से आप लोगों को एक माशाल्लाह हॉस्पिटल मिला था सुरैया अजीम, उधर भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैंने फिर अपने ऑन पे एक डायग्नोस्टिक सेंटर 4th वालों को करवाया था इधर डॉक्टर फयाज का जो है क्या कहते हैं जिना हॉस्पिटल के सामने है, ठीक है, लाइफलाइन में सिर्फ एक विजिट करवाया था, एटलीस्ट वो मोडालिटीज को उनको देखें तो सही, क्योंकि मेरे पास आई थी SCP-4 वो भी सिर्फ रेडियोलॉजी के वो बच्चों को जो 20 बच्चे थे उनके। लाइफलाइन कौन गया हुआ है, किसने बोला है अभी? मैम मैंने, अवैस। हाँ अवैस आप इधर ही हो, तो उधर तब करवाया था तो एटलीस्ट उन्होंने देखा तो था ना कुछ, अवैस तो वहीं पे, अवैस अभी भी वहीं पे हो? जी मैम सही है, देखो अब ये भी तो है ना बच्चा अपने ऑन पे लगा हुआ है और इसने मतलब वहां पे देख रहा है कर रहा है सीख रहा है, इसको किसी ने वो तो नहीं कहा कि ना कि ये भी रेफरेंस पे ही अपने डॉक्टर्स के साथ या किसी डॉक्टर के साथ रेफरेंसेस बनाओ, उनके क्लिनिक्स में चले जाओ, ठीक है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में चले जाओ, इतने डायग्नोस्टिक सेंटर है, चलो डायग्नोस्टिक सेंटर वाले जरा प्राइवेट है वो थोड़ा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं वो नहीं अलाउ करते, हॉस्पिटल्स में चले जाओ, हॉस्पिटल्स में तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले तो नहीं इतना मना करेंगे, ठीक है, उनके HOD से बात करो कि मैं इस तरह सिर्फ वैसे आपको पता ही है शर्जील और ये उस्मान वगैरह किस तरह जिना हॉस्पिटल में फिरते रहे हैं, जी जी मैम वो किया है कि हालांकि अपने ऑन पे वो उन्होंने उस डिपार्टमेंट में वो क्या बर्न सेंटर में भी रहे हैं, ठीक है, फिर उनकी रिसर्च जो थी वो उन्होंने कोविड पे की है पूरी, और वो कोविड डिपार्टमेंट के अंदर कोविड के पेशेंट्स की हिस्ट्रियां ले लेके उन्होंने अभी रिसर्च की है, एंड माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया उन्होंने, खुश होता है दिल के जो है ना इस तरह के बच्चे हैं जो वाकई सीखने के लिए जो है वो इन चीजों को मैटर नहीं करता उनका कि भाई हमें जाने नहीं दे रहे या फिर एरिया ऐसा है हम नहीं करेंगे, जिन्होंने सीखना है वो सीखते हैं वो करते हैं,
ठीक है, उनकी रिसर्च इतनी अच्छी है, वो अपने ऑन पे उन्होंने हॉस्पिटल्स के अंदर इतना टाइम विजिट किया है, वो एंजियोग्राफी में भी देखते रहे हैं, वो बाकी डिपार्टमेंट्स में भी जाते रहे हैं। ठीक, तो अगर हमारा अगर ये हमारा यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करता या हॉस्पिटल हमें नहीं कोई इस तरह का प्रोवाइड करता, तो आप जितना हो सकता है एटलीस्ट उतना तो करो ना। लाहौर से बाहर इतने हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल्स के अंदर जाके HOD से बात करो, अपनी डिग्री दिखाओ, अपना नॉलेज बताओ। ठीक है, ये नहीं कि आप और अपने आपका एटीट्यूड अच्छा शो करो, रफ बिहेवियर कभी मत रखना, अपनी पर्सनैलिटी से बताओ कि यू आर अ रेडियोलॉजिस्ट। ये वो ही बताने लगी थी कि शौकत खान, हम गए, हमारे साथ बच्चा था, चप्पल पहना हुआ उसने, अजीब बाल, अजीब लग ही नहीं रहा कि वो स्टूडेंट है। मैम ने उसको अंदर ही नहीं आने दिया हॉस्पिटल के, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, गो। तो सही उसकी वहीं पे बेइज्जती की है कि आप लग ही नहीं रहे, एक अच्छी ड्रेसिंग करके एक अच्छा एक पर्सनैलिटी अपनी रखो कि हम कुछ हैं। ठीक है, टेक्नीशियंस नहीं बन के जाना कि टेक्नीशियंस की ऐसी हालतें होती है, अब तो उन्होंने भी अच्छी ड्रेसिंग की होती है अपनी। तो बस अपने आप को वहां पे बताओ कि नॉलेज अच्छी शो करो, आई मीन ब्लंडर्स ना मारते रहो। ठीक है, नहीं आता चुप हो जाओ, ब्लंडर्स ना मारना। ठीक है, कि आपको बेसिक चीजें ही नहीं पता। ठीक, मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बड़ी बेइज्जती की हुई है, मैं जिन डॉक्टर से एक HOD थे डॉक्टर महफूज, उनसे अल्ट्रासाउंड मैंने थोड़ी बहुत सीखी थी अपने स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, उनके पास मैंने कुछ स्टूडेंट्स भेजे थे एंड देवर लाइक हमें सब कुछ आता है, हमें मिस भेज दें, और सर ने उनसे सिर्फ ये पूछा कि बताओ व्हाट इज अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड को डिफाइन करो। ठीक है, और उन्होंने वही आंसर इतना गलत दिया कि मुझे इतना शर्मिंदगी इन्होंने फील करवाई ना, कि बाद में सर मुझे कह रहे थे कि बेटा ये आपके स्टूडेंट्स हैं और आपको तो हम जो है ना क्या बच्चे आपके, अब इस तरह अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन ही नहीं उन्हें पता, फील्ड में जाके बेइज्जती करवाते हैं फिर के भाई उनको शायद कोई पढ़ा ही नहीं रहा सही से। ठीक है, तो एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज इतना रखो कि आप फील्ड में जाने वाले हो। जो जो मैं बुक्स बताती हूँ वो साथ रखा करो, पॉकेट बुक्स हैं, फौरन खोलो और उसको देख लिया करो कि समटाइम्स नहीं समझ आती पेशेंट पोजीशनिंग या कुछ इंडिकेशन या कुछ, पॉकेट्स बुक्स साथ रखो, पॉकेट्स बुक्स सारी खरीदो, चैपमैन एक लो प्रोसीजर की बुक है, ठीक है, पोजीशनिंग की बुक है एक, ठीक है, पोजीशनिंग वाली ले लो हमेशा, बुक्स साथ रखो अपने वो। ठीक है, तो जब भी जिस डिपार्टमेंट में जाओ पॉकेट बुक खोलो, उसकी छोटी छोटी सी बुक्स हैं वो साथ रखो, खोलो, फौरन बनाओ। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये कि आपके क्विज का जो हुआ था प्रॉब्लम जैसा भी है, मैं उसकी वेटेज कम कर रही हूँ। ठीक है, उसका जो हो गया सो हो गया, मसले तो आते हैं, लेकिन कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जिनमें मैंने अभी देखे हैं, जिनके मार्क्स इतने अच्छे भी आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स वाले भी आए हैं, उनके पास भी तो खुला है ना, 18-19 वाले मार्क्स भी हैं। ठीक है, तो उनके पास भी तो खुला है ना, उनके भी तो टाइम उन्होंने मैनेज किया है ना, वो तो अलग नहीं है ना, तो इस तरह बाकी के, तो अब और तो कुछ नहीं, लेकिन ये कि 10% वेटेज थी जिसको मैं कम करके 5% वेटेज कर दूंगी इसकी क्विज की। ठीक है, वेटेज कम कर दी है मैंने, बाकी फिर हम असाइनमेंट्स या वो देख लेंगे, एक असाइनमेंट और कर दूंगी या कुछ इस तरह ना, तो लेकिन क्विज की जो है ना वेटेज मैंने कम कर दी। बाकी क्लास को भी मैं बता दूंगी, जो दो मैंने पढ़ाए हैं उनको भी यही मसले रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बीच में मैंने उनके मार्क्स देखे हैं 19-20, मतलब उनके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए कि हमारे पास खुला ही नहीं, हमारे पास खुला ही नहीं, फिर आपका नेट का इशू हो सकता है, उनका नेट का इशू क्यों मतलब नहीं हुआ, उनके पास क्यों, या उन्होंने टाइम कैसे मैनेज किया अपना। ठीक है, तो इस तरह जो है वो मसले हुए हैं थोड़े से बच्चों के साथ, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, अब है प्रॉब्लम तो है, नेट का सबके पास प्रॉब्लम है या। ठीक है, तो आगे अब हम लोग असाइनमेंट है उनके ऊपर देखेंगे। आज आप लोगों का MRI का भी है ना क्विज? यस मैम, 12:30। कितना टाइम दिया मैम ने? मैम 10 मिनट्स। कितने MCQs हैं? 10 MCQs है मैम। मैम ने 8 मिनट्स दिए थे, बच्चों ने करवाया ज्यादा मैम से कह के। वो कल मेरे पास ही बैठी हुई थी कि बच्चे कह रहे हैं, तो मैंने कहा कर दो यार, बहुत मसले आने क्योंकि मसले आए हैं, वो कहीं पहले वो कह ही नहीं रही थी, कहती है कि नहीं जो है उनका यूनिवर्सिटी का, मैं तो उसके अकॉर्डिंगली चलूंगी। मैंने कहा एक्चुअली हो तो जाएगा, बाद में जो मसले होते हैं ना वो फिर सर पकड़ के बैठ जाओगे। तो जो हो गया तो हो गया, मैं तो अपनी परसेंटेज कम कर रही हूँ, 5% अब क्वेश्चन है, जो हो गया उसके मार्क्स तो उतने लग जाएंगे, बहुत अच्छे वाले मार्क्स भी थे जो है। अब आगे असाइनमेंट्स या मैं वो बता दूंगी आपको कि असाइनमेंट, अब ये समझ आ गई है कि अब आपने इसको रेस्ट को भी उसी टेबल में, एक टेबल उसका बन गया, दूसरा रेस्ट का, तीसरा शोल्डर का। ठीक है, ये बना लो, फिर हम लोग कोई और देखते हैं आगे क्या असाइनमेंट करनी है आपकी। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ये वाली असाइनमेंट की कितनी वेटेज होगी? 10%, पहले 5 थी, अब मैं इसको 10 कर दूंगी। ठीक है, लंबी असाइनमेंट है थोड़ी, yes, तो जो है ना इसको मैं 10 कर दूंगी।
मैम यूनिवर्सिटी का भी बता दें, कब क्या बताऊंगी बेटा, मुझे खुद नहीं पता। मैम ये असाइनमेंट हैंड रिटन बना सकते हैं? हैंड रिटन बना तो थोड़ा अजीब सी लगती है, असाइनमेंट नहीं अच्छी बनती। इमेजेस साथ लगाओ, साथ में कुछ अच्छा बनाओ ना, साथ में इमेजेस बनाओ, ताकि जितना आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो ना उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वो ऐसा लगता है पेंसिल पिछली बार किए हैं किसी ने, कि हम लोग वर्ड पे नहीं बना सकते हैं ये वो, उनको फिर मैंने मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंगली दिए हैं, कम ही देती हूँ, जिसकी ज्यादा अच्छी है उसको अच्छे मार्क्स, फिर ना कहना। और एक जैसी ना बनाना सारे, अच्छी सी एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट एक दूसरे से मार्क्स देने हैं, तो मैं एक एक खोल के देख रही होती हूँ। और मैंने पहले भी जिस तरह बताया था, ये ना हो कि दोनों ने एक जैसी बनाया तो मिस देखे ना, एक को नीचे से शुरू कर दो एक को ऊपर से शुरू कर दो, पता ही नहीं चलेगा है, पता चल जाता होता है हमें। तो असाइनमेंट 10 और 5% की आपकी ये क्विज हो गया है। आप ठीक है, खुश हो? बल्कि अब भी नहीं खुश होगे, तुम कभी नहीं खुश होते। नो मैम, थैंक यू। आगे फिर मेट कोई पता नहीं, मेट भी आने वाले हैं आपके, मैं बार बार बता रही हूँ, तो साथ साथ तैयारी रखो। तो उसका भी अभी कोई पता नहीं कि रिटर्न एग्जाम होगा कि सब्जेक्टिव टाइप होगा कि क्या होगा उसका भी, तो वो अभी अनाउंस होती है। तो मैम बाकी यूनिवर्सिटी से आ गई है मेल्स बच्चों को, ये 7 से स्टार्ट हो रही है, 9 से मैम, 9 से तैयारी पकड़ो, जो बैग शैग पैक कर लो अपने। पर मैम हमारी यूनिवर्सिटी की कोई एक्टिविटी नजर तो नहीं आ रही। हो जाएगा अगर उनका है, अगर हो गए बाकी तो ये भी हो जाएंगे, ये तो पहले ही चाह रहे हैं कि जल्दी खुले। मुझे नहीं लगता काफी यूनिवर्सिटीज तो ओपन है, वो भी गई है मैम, लास्ट क्लास में किसने पूछा है तो उन्होंने कहा है कि 7 से स्टार्ट हो रही है, यूनिवर्सिटी से ही पूछा है किसी ने, मे भी हो जाए। देखो अभी आज के एक वीक से, लेकिन फिर भी तैयारी पकड़ो लाहौर आने की, लाहौर से बाहर वालो बहुत मस्तियां कर ली, पढ़ लो आके वापस। पोस्टर्स तो मतलब मेरा ख्याल है उसी तरह सब ठीक हो जाएगा, प्रोटोकॉल एसओपीज वगैरह तो फॉलो करेंगे ये सब। हॉस्टल लाइफ का ही पहले कहते थे ना, हॉस्टल में थोड़ा मस्ता है कि यहाँ पे रहने को नहीं दे रहा, अब तो मेरे ख्याल हॉस्टल भी खुल गए हैं। अल्लाह करे मिड से पहले पहले खुल जाए, ताकि आपके मिड जो है ना वो ऑन कैंपस हों। यस मैम। और फिर बाकी वो खुल जाएंगे तो फिर हम लोग अपना प्रैक्टिकल की तरफ भी आए, कुछ देखें अल्ट्रासाउंड का भी। और वैसे तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था नहीं खुलती अगर यूनिवर्सिटी पूरा सेमेस्टर में, तो मैं आप लोगों को आफ्टर सेमेस्टर जैसे ही हमारे लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं तो बैजेस में बुलाऊंगी, 10-10 स्टूडेंट, एक दिन मंडे को बुला लिए, 10-10 ट्यूजडे को बुला लिए, तो जो है ना इस तरह थोड़े थोड़े बच्चों को बुला के जो है ना अल्ट्रासाउंड करवाना था मैंने, तो वो आप टेंशन ना लो। अगर खुलती है तब भी, नहीं खुलती तब भी आपकी इस दफा प्रैक्टिकल थोड़ा करवाऊंगी अल्ट्रासाउंड, क्या प्रोब जरूर पकड़नी सिखानी है आपको, स्कैन करना सिखाना है, इमेजेस कैसे नजर आते हैं, नेबोलॉजीज को कैसे यूज करना है, वो चीजें आपको थोड़ी सी जरूर बतानी है, ठीक है? अल्लाह करे सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो किसी हॉस्पिटल का कोशिश करूंगी कि विजिट रखवाऊं आप लोगों का, नहीं होता तो फिर एटलीस्ट कोई एक हम सेमिनार रखवाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, आप लोग सब इस पे मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। मैंने एक दफा पहले स्टार्टिंग में अल्ट्रासाउंड की करवाई थी, तो कोई अच्छा सा रेडियोलॉजी डे करते हैं ताकि यूनिवर्सिटी में भी पता चला यू आर समथिंग, सारे फिजियो वाले ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो सब मिलके स्टूडेंट्स अच्छे एक्टिव स्टूडेंट्स मेरे साथ अपना नाम दें मुझे, और फिर हम इसके ऊपर एक 3 डेज का कोई करते हैं, सर्टिफिकेट्स भी रखेंगे उसमें बच्चों के लिए, कुछ हम लोग स्टॉल्स टाइप लगाते हैं यूनिवर्सिटी के, वो क्या ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो ये सब करता है उनके साथ मिलके ना, तो फिर उसके बाद रेडियोलॉजी का क्या वो अवेयरनेस देते हैं थोड़ी के रेडिएशन प्रोटेक्शन कितना जरूरी है, हमारे आजकल के अंदर जो बीमारियां हैं ज्यादातर रेडिएशन की वजह से, यहाँ ये फोन जो है ये भी रेडिएशन है, सिग्नल्स जो है ये भी रेडिएशन है, ये हवा में जितने ज्यादा हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं ना ये सब कुछ रेडिएशन है, तो रेडिएशन के ऊपर थोड़ी सी अवेयरनेस देते हैं, यू आर द स्टूडेंट ऑफ रेडियोलॉजी, तो उनके वो थोड़े से बनाओ इस तरह के खतरनाक से वो जो क्या सिंबल्स होते हैं, ठीक है, अलर्ट दो के रेडिएशन से दूर रहें, रेडिएशन से प्रोटेक्ट रहें अपने आप को, उसकी अवेयरनेस दो रेडिएशन के बारे में थोड़ा बताओ, तो इस तरह का कुछ रखते हैं। एक दिन हम सारा प्रैक्टिकल रखेंगे, कुछ आउटसाइड से कुछ डॉक्टर्स बुलवाते हैं, प्रोफेसर बुलवाते हैं, तो वो अपना लेक्चर कोई रखते हैं, ठीक है, एक अच्छा सा कोई, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होने दो फिर, ठीक है?
तो अगले सेमेस्टर में, या लेकिन ये दिमाग में रखो, सोचते रहो कोई जो इस तरह के पार्टिसिपेट करता है इस तरह के, उसमें वो ग्रुप बना ले और सोचे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, लेक्चर्स तो रखेंगे, प्रैक्टिकल काम भी रखेंगे, कुछ स्टॉल्स अवेयरनेस का रखेंगे, इसके अलावा क्या। ठीक है, 3 डेज का हम लोग कोई सेमिनार टाइप रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद अच्छा एक और चीज मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताई हो, हर साल जो होता है ना रेडियोलॉजी, जो हमारा पाकिस्तान का है RSP जिसको कहते हैं, रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, RSP की सोसाइटी है, हर साल जो होता है हमारे पास कॉन्फ्रेंस होती है RSP की, पता होगा शायद काफियों को। तो ठीक है, वो कॉन्फ्रेंस जो होती है ना वो रोटेट करती है हर प्रोविंस में, कभी वो सिंध में चली जाती है, कराची में होती है ज्यादा, ठीक है अगर उस तरफ चली जाए तो, अगर लाहौर में, पंजाब में हो तो लाहौर में होती होती है PC होटल में। ठीक है, और अगर उस तरफ चली जाए इस्लामाबाद वाली साइड पे तो वो फिर हमारे पास इस्लामाबाद या पिंडी में कहीं पे किसी होटल में होती है। ठीक है, क्वेटा में भी हुई थी लेकिन उधर कोई जा नहीं सका, तो वो हर साल ना हर प्रोविंस में चली जाती है। अब इस साल मेरा ख्याल लाहौर में होनी है, या लाहौर में पिछले साल थी, मैं कन्फर्म कर लेती हूँ। ठीक है, कराची जो लाहौर में होती है ना वो सबसे अच्छी होती है, और बाकी भी होते हैं, कराची वाली भी ठीक होती है लेकिन लाहौर की सबसे अच्छी। इसमें पूरे पाकिस्तान के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स या जो भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड लोग हैं उनकी समझ लो ईद होती है 3 दिन की। ठीक, पूरा का पूरा PC और लाहौर में PC होटल में होता है, पूरा का पूरा PC होटल जो है ना, हर हॉल जो है वो रेडियोलॉजी वालों ने लिया होता है, RSP कौन, हर हॉल में लेक्चर्स चल रहे हैं, जो रेडियोलॉजी कंपनीज होती है ना जिस तरह, उन्होंने जो डिपार्टमेंट्स वाले हैं वो उन्होंने वो बनाए होते हैं डिफरेंट, बस 5 मिनट, तो वो उन्होंने डिफरेंट वो बनाए होते हैं स्टॉल्स लगाए होते हैं, और वो इतने मजे की चीजें उन्होंने डिस्प्ले की होती हैं, जिस तरह आप CT स्कैन के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उन्होंने अपने बूथ के ऊपर वहां पे वो डिस्प्ले किया होता है। ठीक है, वहां पे जो मशीनें देखो वो जरूर अटेंड करना, वो हर एक के लिए होता है, वो हर बंदा जा सकता है। ठीक है, वो एंड ऑफ मेरे ख्याल नवम्बर या सितंबर में होती होती है। ठीक है, ये डेट्स जो है वो आगे पीछे हो जाती होती हैं। ठीक है, RSP के नाम से आप रिसर्च करो पाकिस्तान की, यू आर द स्टूडेंट ऑफ रेडियोलॉजी, तो रेडियोलॉजी सोसाइटी में जरूर अपने आप को एक्टिव रखा करो। रेडियोलॉजी इस तरह डिफरेंट कंट्रीज में अगर आपने जाना है ना, डिफरेंट आप सोच रहे हो कि मैं शिफ्ट हो जाऊँ दूसरी कंट्री में कहीं, तो आप उनकी सोसाइटी के थ्रू जाओ, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी को सर्च करो ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, इसी तरह हम लोगों के पास डिफरेंट सोसाइटीज बनी हुई है उसकी, डिफरेंट रेडियोलॉजी की हर कंट्री की, और उस कंट्री के अपने ही कुछ लाइसेंसेज होते हैं कि अगर आप लोगों ने इधर रेडियोलॉजी में काम करना है या अल्ट्रासाउंड पे काम करना है तो आपको ये लाइसेंस क्लियर करना होगा, उसकी सारी डिटेल होगी। ये चीजें पढ़ा करो, ये स्टूडेंट लाइफ में पढ़ोगे, नॉलेज आएगी, तो आप जैसे ही ग्रेजुएट हो गए तो आपको अपना समझ आएगी कि आगे किधर को जाना है। ठीक है, पाकिस्तान में अगर UHS, मैं फिर कह रही हूँ UHS अगर आपको अलाउ कर दे, UHS के अंदर अगर MS स्टार्ट हो जाती है आपके ग्रेजुएट होने तक, तो फॉरन UHS से करो MS। ठीक है, नहीं होता गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, वहां MS जरूर करके आओ, जिस जो जा सकता है प्लीज अपनी हायर एजुकेशन जरूर कंप्लीट करना, साथ साथ जॉब के लिए अप्लाई करो, 2 साल का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में लो, और बाहर जाने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, कोई भी लाइसेंस के लिए, इधर आपकी ग्रेजुएशन हुई साथ ही कहीं पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, और उधर जो है पेड मिलती है अनपेड मिलती है, एक्सपीरियंस ले लो। ठीक है, रेडियोलॉजी में काम कर लो, 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, और उस 2 साल के अंदर आप अपना पेपर वर्क करवाते रहो कि मुझे जो है ना उस 2 साल का एक्सपीरियंस, जैसे ही 2 साल का, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन करवा लो साथ में, एक्सपीरियंस ले लो, जैसे ही 2 साल हुए उसके बाद अप्लाई फॉर अब्रॉड, वहां पे जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, और वहां जॉब के साथ आप कहीं पे भी साथ पढ़ते रहो। ये मेरा है आप लोगों के लिए कि इस तरह जरूर अपनी फील्ड में एक्सेल करना, तो जो है इंशाल्लाह जो है अच्छी जगह पे ही होगा। मैम यहाँ पे तो बस MS UL ही करवा रहे ना? बस UL ही करा रहा है, जिसकी मैंने भी वहीं से किया है, वो भी अल्ट्रासाउंड में, सिर्फ ये कि MS होने में, क्योंकि अगर UHS करवा रहा था, मैं तो खुद UHS से पढ़ी हुई है, UHS का नाम है बेटा, एक ब्रांड है समझ लो। ठीक है, तो वो जो है ना UHS की तो मानी जाता है सारा कुछ, बस अब कोई करवा नहीं रहा पूरे पाकिस्तान में UL के अलावा, तो इस वजह से हमारी फील्ड में, वरना कोशिश जो बाहर जा सकता है वो तो मैं कहती हूँ फॉरन पहली प्रायोरिटी का बाहर निकलो, बाहर जाओ, तुम लोगों की फील्ड इतनी अच्छी है ना बाहर, तुम लोगों को पैसा भी देखो जरा, वैसे ही सर्च करके देखो एक रेडियो बाहर कैसे जाए, हम लोग कोई जाने नहीं देता, तुम लोगों को तो घर से बाहर नहीं कोई जाने देता है।
मैम नहीं ये बस आपने हमें मैं बताया ऐसे कोई भाई नहीं जान देता मैं ऐसे ऐसे करें आपने हमें गाइड करें ये सर्च करें तो मैम से झूठ क्यों बोल रहा है ये तो कोई है मैम सबूर को कोई चाय वाले होटल पे नहीं जाने देता घर से बाहर नहीं जान देता इतना भी ना तुम और लड़कों लड़की हो के तुम लोग लड़कों को तो लड़कियों को तो चलो मैं एक लड़कियां बड़ी वो होती हैं देखा लड़कियां कहां से कहां पहुंच जाती हैं लेकिन वो ये एक हमारी सोसाइटी में मसला आ जाता है शादी एंड फिर वहीं पे बैठ जाती हैं जहां पे हैं वो इनके सपने मैम मैम शादी सिर्फ लड़कियों की थोड़ी हमारी भी होती है चलो शादी करके तुम घर बैठ जाओगे लड़के होके नहीं मैम मैम जमींदारी करेंगे पैसे कमाएंगे हाँ तो तुम लोगों ने तो आगे कमाना है तुम लोगों ने घर देखना है तुम लोगों ने आगे फ्यूचर अपना बनाना तो ज्यादा मेरा फोकस बॉयज को होता है नॉट ऑन गर्ल्स को भी मैं कहती हूँ लेकिन आपको पता ही है घर किसने चलाने हैं ज्यादा लड़कों मैम मैम हमारा भाई जाने का इरादा है यूएई जाने का लेकिन उसके लिए डीएचए का लाइसेंस चाहिए ना उसके लिए मैम वो कैसे हम एचएएडी जो है डीएचए का क्या लाइसेंस के लिए अब क्या मुश्किल क्या है लाइसेंस दो लो निकलो मैम हमें उसका कुछ प्रोसेस ही नहीं पता कैसे करना है उसमें क्या सिलेबस होगा क्या नहीं होगा तो मैम हम कैसे करेंगे डीएचए के सारे पेज पे जाओ ठीक है बाकी प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगी ठीक है आप साथ साथ उसकी तैयारी अगर और लड़कियों के लिए अभी गल्फ में अगर कोई निकलना चाहे उनकी बहुत ज्यादा वहां पे जॉब्स हैं खासतौर पर अल्ट्रासाउंड और मेमो के लिए आपको पता है गल्फ में जो है वो किसी मेल को तो हाथ भी नहीं लगाने देते अल्ट्रासाउंड के लिए ठीक है तो उसमें हम लोगों को अल्ट्रासाउंड पसंद नहीं हाँ तो तुम लोग सिटी एमआरआई एनजीओ इन पे जाओ इन पे पैसा बहुत है बड़ी मोडालिटीज में पैसा बहुत है अगर वो नहीं तो दूसरा मैं बताती हूँ कि जो एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट की जॉब होती है ना पाकिस्तान में तो अभी क्योंकि मैंने इससे पहले वहां पे जॉब की हुई है मैं एज अ क्लिनिकल एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट थी एक कंपनी के साथ ठीक है तो वो क्या करते हैं पाकिस्तान में तो उसको जो है ना इतना मेरी रिसर्च थी और नई वो आई थी इलास्टोग्राफी के हम लोग बायोप्सी के बगैर ही जो है थ्रू इलास्टोग्राफी बिनाइनो मैलिग्नेंट लीजन को डिफ्रेंशिएट कर सकती नई टेक्नोलॉजी थी मेरे लिए एक नई चीज थी तो मैं हमेशा नई चीजों की ग्रैब करती हूँ तो मैंने उस पर रिसर्च की थी और वो उस कंपनी में नई चीज आई थी उनकी मशीन में अल्ट्रासाउंड की मशीन में तो मैंने उनके साथ 2 साल काम करके जो है और एज अ क्लिनिकल एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट मुझे आपको बताऊं एक मजे की बात मुझे किस तरह वहां पे हायर किया गया था मैं इसी तरह कॉन्फ्रेंसेस में जाती होती थी एक इसी कंपनी ने एक सेमिनार रखा था और बाहर से जर्मनी से एक बंदा आया था रोडिकर उसका नाम था जर्मन था वो और रोडिकर ने जो था ना एक वहां पे सेमिनार रखा था पाकिस्तान के जितने भी रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको उन्होंने एक्सप्लेन करना था व्हाट इज इलास्टोग्राफी अच्छा मैंने क्योंकि रिसर्च की थी तो मैं वही डॉक्टर महफूज के पास काम करती थी तो डॉक्टर महफूज ने मुझे कहा कि उनको इनवाइट किया गया था तो मैं उन्होंने कहा कि बेटा तुम भी आ जाना तुम्हें सीखने का शौक है तो तुम भी आ जाना वैसे तो रेडियोलॉजिस्ट को सबको इनवाइट किया है कंपनी वालों ने तो तुम भी आ जाना तो तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज है तुम पढ़ लेना ऐसे टीचर्स अगर आपकी लाइफ में मिल जाए ना तो आपकी लाइफ कहाँ से काम है मेरे लिए एक बाकी एक हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टीचर होता है जो जिंदगी बदल देता है तो मेरे लिए वो सर बहुत अच्छे थे मतलब उन्होंने मेरी एक लाइफ बदली सोचते थे जो स्टूडेंट्स के बारे में तो खैर मैं वहां पे गई हूँ वो होटल जो था कहाँ पे था वो मैं खल से वो क्या नाम है उस तरफ था पता नहीं जो भी था उधर उन्होंने रखे हुई थी एक सेमिनार रखा हुआ था वो रोडिकर आया रोडिकर सारे रेडियोलॉजिस्ट बैठे हुए मशीन को उसने सारे उसकी बता रहा फीचर्स बता रहा क्लिनिकली बता रहा इलास्टोग्राफी ये होता है वो होता है ये होता है फ्राइडे का डे था अच्छा उसके बाद क्या हुआ जुम्मे का टाइम हुआ सब नमाज पढ़ने चले गए मैं वहां बैठी हुई थी तो मैं सब डॉक्टर्स थे वो तो मैं कॉपी पेंसिल लेके लिख रही हूँ पॉइंट्स और वो सारे जिस तरह पढ़ रही हूँ वहां पे अच्छा चले गए वो तो जर्मन था वो बैठा जब ब्रेक हुई तो वो ना अकेला बैठा हुआ था मैंने मेरा दिल हुआ पता नहीं मैं इससे पूछूं कि ये क्या डॉक्टर है इतनी इसके पास नॉलेज है मेडिकल की और ये क्या मतलब क्या कहते हैं इसके ये कैसे मतलब इतने डॉक्टर्स को पढ़ा सकता है मैंने ऐसे ही उसके पास चली गई मैंने उससे पूछा मैंने कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आप बुढ़ा सा था वो इतना यंग भी नहीं था ठीक है कहता है कि मैं मेडिकल का नहीं हूँ बट मैं मेडिकल में आ गया हूँ मैं पहले जो था पता नहीं कंप्यूटर में कुछ करता रहा फिर उसके बाद मैंने मेडिकल मतलब वो अल्ट्रासाउंड भी कंप्यूटर की सारी चीजें है ना फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता एनाटॉमी को सीखा इस तरह करते 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 मैं जो है ना काफी साल मुझे पता नहीं कितने साल इस फील्ड में हो गए तो मैंने कहा आप क्या हो कहता मैं क्लिनिकल एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट हूँ एक मुझे वो ऐसे दिल को लगा मैंने कहा क्या नाम है वाकई कितनी अच्छी चीज लगती है क्लिनिकल एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट तो अल्ट्रासाउंड की वो हर मोडालिटी की होती है आप उसमें भी जा सकते हो डिफरेंट कंपनीज के पाकिस्तान में तो एक्चुअली फिर उन्होंने फिर उसी वक्त कहा उस वो मुझसे कुछ पूछने लगे उसने मुझसे क्वेश्चंस पूछे कुछ इस तरह
और मेरा इंटरेस्ट देखा, उसने उसी वक्त ब्रेक खत्म हुई और उस कंपनी के ऑनर को फौरन बोला कि मैंने आई हैवंट सीन एनी डॉक्यूमेंट्स और मैंने छोटा सा एक इंटरव्यू किया, हायर हायर एज अ क्लिनिकल एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट तो पाकिस्तान में इस तरह ये वो। तो खैर फिर मैंने दो साल उनके साथ काम किया, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह उस लेवल पर क्लिनिकल एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट को नहीं लेके जाते, मैं तो लड़की थी तो थोड़ा वो हुआ, लड़के अगर वहां पे जाते हैं तो उनको सेल्स साइड पे ले जाते हैं कि भाई आपने डॉक्टर्स को वो देनी तो है अपनी चीजों के फीचर्स के बारे में तो बताना है, लेकिन वो एक तरह नहीं होता सेल्स टाइप करना कि अपनी चीजें बताना कि अभी डॉक्टर्स ये मशीन से इम्प्रेस हो जाए और वो ले। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट, फिर जो एकोकार्डियोग्राफी के लिए चाइना से जापान से सॉरी एक लड़की आती थी मायोमी उसका नाम था, उसके साथ भी मेरी बड़ी अच्छी वो हो गई थी, वो हर दूसरे महीने उसने पाकिस्तान आना ट्रेनिंग देने एको की, वो एको की डेडिकेटेड थी। ठीक है, इस तरह हर मोडेलिटी के एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट हैं। बॉयज आज जाके नेट पे जरा सर्च करें एप्लीकेशन क्लिनिकल एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट ऑफ एमआरआई, इनकी जरा सैलरीज देखना, लाखों में होनी है। ठीक है, तो आप किसी कंपनी के साथ बाहर चले जाओ अब्रॉड में किसी उस पर अप्लाई करो, ठीक है, फिर पहले किसी हॉस्पिटल में जॉब करो, तो ये सारे दरवाजे हैं आप लोगों की फील्ड के, क्या आगे आप लोग जा सकते हो। मैं बताऊँ ये फील्ड बहुत अच्छी है, अपनी फील्ड से प्यार करो, फील्ड आपसे प्यार करेगी। ठीक है, तो इनशाला फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैं और आप लोगों को गाइड करती रहूंगी, लाइसेंसेस के बारे में भी कुछ चीजें बताऊंगी कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है अगर गल्फ की तरफ जाने का प्लान है, और अगर अल्ट्रासाउंड में आगे कुछ करना है ना तो ARDMS का लाइसेंस जरूर क्लियर कर लेना, वो पाकिस्तान में बैठ के तैयारी करवाते हैं उसकी, एग्जाम शायद इंडिया में भी होता है टर्की में भी होता है, एग्जाम वहां जाके दिया ना। और ARDMS का लाइसेंस वो है कि आप पूरे वर्ल्ड में आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठ के आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हो इफ यू हैव द लाइसेंस ऑफ ARDMS अमेरिकन रेडियोलॉजी ऑफ क्या था इसका एब्रीविएशन पता नहीं जो भी है देख लो डायग्नोस्टिक और रजिस्ट्री ऑफ डायग्नोस्टिक मेडिकल सोनोग्राफी तो वो एक अल्ट्रासोनोग्राफी का एक लाइसेंस ARDMS बड़ा मशहूर है, उसके लिए अगर किसी ने अप्लाई करना है तो वो करो, ARDMS दे लो, अल्ट्रासाउंड का है वो सिर्फ। तो इस तरह के लाइसेंसेस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखा करो। तो और जिसने पाकिस्तान में रहना कुछ नहीं करना, सिर्फ डिग्री लेनी है और कहना है कि मिस हमारे नंबर कम आ गए हैं, आपने इस स्लाइड से नहीं दिया दूसरी स्लाइड से दिया तो वो फिर हो गया कामयाब मेरे लिए। ठीक है, इधर उधर की भी नॉलेज रखो। मैम ARDMS के लिए कैसे है डिग्री का आप मुकम्मल हो गया उसके बाद हम अप्लाई करेंगे मतलब टेस्ट की तैयारी करेंगे? हाँ वो सारी अल्ट्रासाउंड की होती है और पाकिस्तान में डिफरेंट करवा रहे हैं ये UL वाले या इन्होंने अपना सेंटर बनाया हुआ है अल्ट्रासाउंड, उससे बेहतर है कि आप खुद तैयारी कर लो। बस चीजें बताओ कि कौन कौन सी बुक्स हैं, ARDMS दो उसमें कर सकते हैं, फिजिक्स तो कंपलसरी सब्जेक्ट लेना होता है जो अल्ट्रासाउंड की फिजिक्स है, और उसके साथ या तो आप गाइनी ऑप्स में ले लो या एबडोमेन में ले लो, अगर ज्यादा लेने हैं तो ज्यादा सब्जेक्ट भी उठा सकते हो। ठीक है, वो डेडिकेटेड हो जाता है तो एबडोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी या ऑप्स अल्ट्रासाउंड। ठीक है, साथ फिजिक्स एक कंपलसरी होता है कि आपने फिजिक्स जरूर लेनी है दो सब्जेक्ट्स में। ठीक, तो वो थोड़ी सी नॉलेज आप नेट पे भी बैठ के देखो, आप लोगों को चीजों का आइडिया होगा। तो अभी आप लोगों का कौन सा ईयर है, थर्ड ईयर है? मैम लास्ट ईयर है, इसके बाद लास्ट सेमेस्टर है। बस एक सेमेस्टर रह गया आप लोगों को? जी मैम। यस मैम। फिर तो एक्टिव हो जाओ तुम लोग फील्ड के लिए। चलो इंशाल्लाह फिर ना ये जरा लेक्चर्स भी खत्म होते हैं तो कुछ लेक्चर्स मैं इस तरह के भी रखूंगी कि आपके लिए ना कुछ काउंसलिंग हो उसके लिए, आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, आगे का क्या फ्यूचर के लिए क्या मैं आपको कुछ बताऊं जितना मैं गाइड कर सकती हूँ, फिर आगे आप लोगों के ऊपर किस कौन क्या करना चाहता है गाइड मैं करूंगी और कुछ वेज बताऊंगी कुछ उसके ऊपर हम लोग एक दो लेक्चर्स रखेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जैसे ही यहाँ आखिरी सेमेस्टर में रखेंगे, ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस में भी रखेंगे कि ताकि जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी थोड़ा नॉलेज हो कि वो क्या किस फील्ड में आ गए। ठीक है, ये मैम कुछ बच्चे कह रहे थे लेक्चर मामा पापा के लिए भी रखें कि वो जो बच्चे विलिंग है बाहर जाने के लिए वो हमें जाने दे बाहर। हैं कुछ लेक्चर मामा पापा के लिए रख लो। अच्छा उनको एक... मैंने कहा शायद मामा पापा को आप लोगों ने खुद ही बताना है, जब आप इतनी चीजें जब आप लोगों को खुद समझ आएगी ना तो आप एक्सप्लेन करोगे उनको इन चीजों के बारे में। और लड़कियों को मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे पता है उनके मामा पापा उनको कभी भी नहीं घर से बाहर नहीं निकलने देता तो अब्रॉड कहाँ जाने देंगे, लेकिन कुछ हैं जो वाकई उनके सपोर्ट करते हैं और जाते हैं बाहर उनके पेरेंट्स, लेकिन ये नहीं कि जो नहीं जाने देते तो उनके पेरेंट्स वो ज्यादा ही कुछ पैम्पर्ड बच्चे होते हैं। मैम हमें तो मिन्नत कर रही है कि निकल जाओ घर से कुछ कर लो। हाँ तुम लोगों को तो मैं कहती हूँ निकल ही जाओ, जाने दे रहा
लड़कों को क्यों नहीं जाने दे रहे? साथ चलेंगे भाई। पता नहीं इन लोगों को क्यों जाने नहीं दे, हमें तो मिन्नत है कर रहे हैं कि निकल जाओ, कुछ करो कुछ करो। हाँ ना, तो लड़के सब लड़कों को मैं कहती हूँ, सारे सब लड़कों को कहते हैं घर वाले कि कुछ करो, उन्होंने कुछ करना है, उन्होंने ही आगे घर बनाना है, उन्होंने ही घर अपना एक यकीन करो, इतनी तुम लोग को प्राउड फील करेंगे ना पेरेंट्स जिस जगह पे तुम लोग हो गए इंशाल्लाह कुछ अरसे में। फिर मुझे भी फोन करके जरूर बताना कि मिस मेरी यहाँ जॉब हो गई है, मैं यूके के इस हॉस्पिटल में बैठा हूँ। ठीक है, फोन जरूर करना, इंतजार करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, आप लोगों को हर में आप लोगों को कामयाब करे, जिंदगी के हर मरहले में जितने भी परेशानियां हैं उनसे आपको आराम से निकाले, और फील्ड से रिलेटेड एकेडमिकली आपको कोई मसला हो इंशाल्लाह जितनी मैं सपोर्ट कर सकूंगी, जिंदगी में कहीं जरूरत पड़े मुझे जरूर पूछना, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज मैम।